हो गई है स्टार्ट। ओके, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स, इंस्ट्रूमेंट्स और प्रोसीजर जो है, ये आज का हमारा टॉपिक है जो आपकी स्क्रीन पे अभी आ रहा है। तो लेट मी प्रोसीड टू स्टार्ट दिस टॉपिक। लेट मी शेयर यू द नेक्स्ट स्लाइड। लुक एट इट, लिक्विडिटी। हम यहाँ सबसे पहले ये देख रहे हैं कि लिक्विडिटी का मतलब क्या है। यू कैन सी एबिलिटी टू मीट एंटीसिपेटेड एंड कॉन्टिजेंट कैश नीड्स, यानी वो काबिलियत जो आप कॉन्टिजेंटली कैश की जरूरियात जिसे पूरी करते हैं उसको लिक्विडिटी कहते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि कैश नीड्स में अराइज फ्रॉम विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट्स, यानी वो कैश जिसकी बैंक को जरूरत पड़ती है जब भी कोई पर्सन विड्रॉ करवाता है, पैसे निकलवाता है बैंक से। ठीक है, लायबिलिटी मैच्योरिटीज एंड लोन डिसबर्सल। ठीक है, तो या इसके अलावा अ मिनिमम क्राइटेरियन ऑफ लिक्विडिटी इज द एबिलिटी बोथ टू मीट कमिटमेंट्स विद ड्यू एंड अंडरटेक न्यू ट्रांजेक्शंस व्हेन डिजायरेबल्स, यानी जब भी आपकी ख्वाहिश हो, आपको जरूरत पड़े तो आप कैश के साथ नई ट्रांजेक्शंस कर सकें। ठीक है, उसको लिक्विडिटी कहते हैं, राइट ना? यानी आसान लफ्जों में वो कैश जो जब आपको जरूरत पड़े, ठीक है, आप उसको प्रेजेंट कर सकें, उसको लिक्विडिटी आप कहते हैं। ठीक है, अभी यहाँ से कोई आवाज आई थी, किसकी आवाज आई थी, क्या कोई क्वेश्चन है आपका? यहाँ तक क्लियर है आप? सर क्लियर समझ नहीं आई बेटा। नो सर, सर समझ नहीं आई क्लियर। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि बैंक को कैश की जरूरत होती है जब कोई पैसे विड्रॉ करता है, तो उसको बैंक को कैश की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो जो कैश है वो लिक्विडिटी है, जो फॉरन वो अपने विड्रॉ करने वालों को पे करता है बैंक, इसे लिक्विडिटी कहते हैं। तो इसमें नहीं समझ आई आपको ये? भाई बैंक को कैश की जरूरत होती है ना? यस सर। एक्सक्यूज मी, बैंक को कैश की जरूरत होती है या नहीं होती? जब भी कोई पैसे विड्रॉ करता है तो बैंक उसे कैश देता है ना? जी सर। आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है, आ रही, समझ। हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि आपको, मैं आपसे अब क्वेश्चन कर रहा हूँ, अपना माइक ओपन करें और डिस्कस करें मेरे साथ। मैं ये कह रहा हूँ कि बैंक को जब कभी भी कोई विड्रॉ करता है पैसे, तो क्या बैंक उसके लिए अपने पास कैश रखता है ना, उसको फौरी जरूरी है? यस सर, रखता है। यस सर, तो वही तो लिक्विडिटी है, वही इस स्लाइड के अंदर है। आवाज आ रही है क्लियरली मेरी? यस सर, आ रही है। जी सर, आ रही है। आवाज आ रही है आपको? ठीक है, आपकी आवाज मुझे कम आ रही है। ओके, लेट मी प्रोसीड टू नेक्स्ट। हैंड फ्री लगा के आवाज ठीक आ रही है, हैंड फ्री के बगैर आवाज नहीं आ रही। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लिक्विडिटी नीड्स को बैंक जो है वो एस्टिमेट कैसे करता है, अगली स्लाइड के अंदर। तो बैंक स्ट्राइव टू मेंटेन एडिक्वेट लिक्विडिटी, बैंक जो है वो कोशिश करता है कि एक मुनासिब लिक्विडिटी को मेंटेन करे। और टू मच लिक्विडिटी नीडलेसली लिमिट्स बैंक अर्निंग्स, अगर वो अपनी जरूरियात से ज्यादा लिक्विडिटी को, ज्यादा कैश को इकट्ठा करता है तो बैंक की अर्निंग्स कम होती हैं। एंड टू लिटिल लिक्विडिटी एक्सपोजेस अ बैंक टू द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉस्टली इमरजेंसी मेजर्स टू सिक्योर नीडेड फंड्स। और जो बैंक इमरजेंसी में जरूरत होती है, अगर कम लिक्विडिटी बैंक करता है, अपने पास कम कैश अमाउंट को रखता है, तो फिर वो वहां पे एक्सपोज हो जाता है और वो रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर सकता, पूरा नहीं कर सकता। लिक्विडिटी शुड बी सफिशिएंट टू कवर प्रोबेबल फ्लक्चुएशंस इन लोन एंड डिपॉजिट्स। तो आपको पता है कि प्रोबेबली आमतौर पे लोन्स और डिपॉजिट्स के अंदर फ्लक्चुएशंस आती हैं,
कमियां आती हैं, उतार चढ़ाव आता है, तो लिक्विडिटी जो है उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो है वो बैंक को उसकी जरूरत को पूरा करती है विद अ स्मॉल मार्जिन ऑफ एक्सेस लिक्विडिटी एज अ सेफली मेजर। तो इसके लिए बैंक को क्या करना चाहिए कि वो थोड़ी सी लिक्विडिटी जो है ना वो अपने पास उसकी अमाउंट को ज्यादा रखे ताकि ये फ्लक्चुएशंस को वो मीट कर सके। तो होप सो यू अंडरस्टैंड इवन दिस स्लाइड। इज इट क्लियर? यस सर। जी क्लियर है? जी सर। यही स्लाइड तो पहले आपको शो कर रहे थे, सॉरी आई हैव टू शो यू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ लुक एट दिस वन। हम लिक्विडिटी की बात कर रहे थे कि बैंक को किस तरह की लिक्विडिटी जो है वो करनी चाहिए। व्हाइल लिक्विडिटी नीड्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद सर्टेनिटी, मतलब आप किसी यकीनी सूरत हाल के तहत आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये पहले से नहीं बता सकते कि आपको कितनी लिक्विडिटी की जरूरत पड़ेगी आने वाले टाइम में। दे कैन बी क्लोजली डिटरमाइंड बाय रिव्यूइंग पास्ट फ्लक्चुएशंस, जो पास्ट में गुजरे हुए टाइम में कोई फ्लक्चुएशंस आती रही और उन टाइम ड्यूरेशंस में जितनी लिक्विडिटी की जरूरियात रही उनको देखते हुए रिव्यू किया जा सकता है लोन्स के अंदर एंड डिपॉजिट्स बाय कीपिंग अ केयरफुल वॉच ऑन करंट बिजनेस सिचुएशन। और इसके साथ साथ जो फाइनेंस मैनेजर होता है वो जो करंट बिजनेस सिचुएशन होती है उनको भी देखता है कि इस वक्त जो बिजनेस है वो ज्यादा बूम पीरियड में है या फिर वो कॉन्ट्रेक्शन में है या बिजनेस के क्या हालात हैं, उसके मुताबिक वो कैश रिजर्व्स को या लिक्विडिटी को मेंटेन करता है। इसके बाद इफ अ बैंक हैज केयरफुली इवैल्यूएटेड एंड प्लान्ड फॉर इट्स लिक्विडिटी नीड्स, इट शुड होल्ड अ मैक्सिमम लिक्विडिटी व्हेन डिपॉजिट्स आर अप एंड लोन डिमांड इज डाउन। ठीक है, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि बैंक जो है अगर वो केयरफुली प्लान कर लेता है और इवेल्युएट कर लेता है अपनी लिक्विडिटी नीड्स को, अपनी कैश की जरूरियात को, तो उसको मैक्सिमम लिक्विडिटी को अपने पास रखना चाहिए, होल्ड करना चाहिए व्हेन डिपॉजिट्स आर अप। जब डिपॉजिट ज्यादा होते हैं तो लिक्विडिटी को मैक्सिमम करना चाहिए और लोन डिमांड जो है उसको डाउन रखना चाहिए ताकि उसको लिक्विडिटी के इश्यूज ना हो सके। तो होप सो यू अंडरस्टैंड इवन दिस स्लाइड। अब लिक्विडिटी रिस्क एक चीज है, हम देखते हैं कि लिक्विडिटी रिस्क क्या है। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी रिस्क, यानी जो कैश अपने पास रखने के खतरात होते हैं, रिस्क होते हैं, वो तीन किस्म के रिस्क हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक फंडिंग रिस्क होता है जब आप फंड करते हो किसी को, देते हो लोन। एक एसेट लिक्विडिटी रिस्क होता है और एक इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है। इन तीन जो रिस्क हैं इनके ऊपर हम बात करेंगे अभी वन बाय वन। सो वेट अ व्हाइल टिल आई एम गोइंग टू शेयर यू नेक्स्ट स्लाइड। फंडिंग रिस्क सबसे पहले हम डिस्कस करें, फंडिंग रिस्क। तो इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट की परसेप्शन, यानी मार्केट के फंडिंग रिस्क जो है वो डिपेंड करता है मार्केट की परसेप्शन पे और बैंक की क्रेडिट स्टैंडिंग पे, दो चीजें। अगली बात, अ बैंक अप्रोचिंग द मार्केट विद अनएक्सपेक्टेड एंड फ्रीक्वेंट नीड्स फॉर फंड्स वुड हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द विलिंगनेस ऑफ द मार्केट टू लेंड एंड रेजेस द कॉस्ट ऑफ फंड्स which is the prime driver of profitability।
यानी इसमें ये कहा जा रहा है कि एक बैंक जो है मार्केट को जब अप्रोच करता है अनएक्सपेक्टेडली और उसको फंड्स की फिर क्या होता है फ्रीक्वेंटली जरूरियात होती है वुड हैव एडवर्स इफेक्ट्स, जब उसको फ्रीक्वेंटली इतनी ज्यादा फंड्स की जरूरियात मतलब दरपेश आती है और अनएक्सपेक्टेडली वो मार्केट को अप्रोच कर लेता है तो उसका उसका बैंक के ऊपर उसकी विलिंगनेस की मार्केट की विलिंगनेस के ऊपर बड़ा एडवर्स इफेक्ट पड़ता है ठीक है और उसकी कॉस्ट उन फंड्स की बैंक को बियर करना पड़ती है। सो इसलिए किसी भी मैनेजर को बैंक मैनेजर को या फाइनेंस डायरेक्टर को ये चीज मद्देनजर रखनी चाहिए कि वो मार्केट को केयरफुली स्टडी करके रीड करके फिर ही वो फंडिंग करे अदरवाइज दैट फाइनेंस मैनेजर और बैंक विल बी एट रिस्क एंड वुड नॉट बी एबल टू मीट द करंट नीड्स ऑफ लिक्विडिटी। ओके लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो कंटिन्यू है। लिक्विडिटी नीड्स अराइजिंग फ्रॉम डिपॉजिट्स, जो लिक्विडिटी है वो कैसे बढ़ती है कैश की अमाउंट कैसे बढ़ती है जब लोग ज्यादा डिपॉजिट्स करवाएंगे जमा करवाएंगे विड्रॉल जो है वो कम होंगे एंड लोन्स लोन डिमांड्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय प्रिपेयरिंग अ सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड स्टेटमेंट। ठीक है अगला पॉइंट ये है the sources and uses approach can be used to evaluate the effects of deposit inflows and outflows। कहते हैं कि जो उसके उसकी अप्रोच के सोर्सेज होंगे जहां से वो फंड्स को इकट्ठा करता है या इफेक्ट्स होते हैं वो डिपॉजिट इनफ्लोज के होते हैं। अब डिपॉजिट इनफ्लोज क्या है कि मतलब जब लोग पैसे बैंक के अंदर जमा करवा रहे हैं एंड आउटफ्लोज का क्या मतलब है कि बैंक से जब पैसे जा रहे हैं बैंक जो है वो फंडिंग कर रहा है लोन कर रहा है ठीक है या उसके अलावा अपनी लायबिलिटीज को पूरा कर रहा है एंड चेंजिंग लोन डिमांड्स ऑन बैंक लिक्विडिटी। जैसे जैसे ये जो सोर्सेज ये सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ अप्रोच है वो फ्लक्चुएट करती है वैसे वैसे बैंक के लोन्स की डिमांड और उसकी जो बैंक की लिक्विडिटी है उसमें भी चेंजेस आती है। द स्ट्रक्चर ऑफ द डिपॉजिट मेथड कंसिस्टिंग ऑफ अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स एंड प्रोबेबिलिटी इज अनदर वे टू एस्टिमेट लिक्विडिटी नीड्स। कहता है कि लिक्विडिटी नीड्स या कैश की डिमांड को एस्टिमेट करने का एक ये तरीका भी है कि आप डिपॉजिट मेथड चेक करें यानी लोग जो हैं वो डिपॉजिट किस तरह करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, मुख्तलिफ किस्म के डिपॉजिट होते हैं। कोई फिक्स डिपॉजिट होता है जैसे पिछले टॉपिक लेक्चर में आप पढ़ रहे थे ठीक है कुछ कोई करंट डिपॉजिट्स होते हैं तो उसकी लिस्ट पे डिपेंड करता है कि किस किस तरह के डिपॉजिट लोग करवा रहे हैं एंड द प्रोबेबिलिटी इज अनदर वे टू एस्टिमेट लिक्विडिटी नीड्स। और उसके अलावा हम प्रोबेबिलिटी जो है ना वो भी अप्लाई करते हैं लिक्विडिटी नीड्स को मेजर करने के लिए। तो ये था लिक्विडिटी रिस्क के बारे में जो पहला सेगमेंट था हमारे टॉपिक का। होप सो कि यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। अगली स्लाइड है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लिक्विडिटी, यानी लिक्विडिटी के वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बैंक इस्तेमाल करता है। तो बैंक्स ट्रेडिशनली हैव प्लान्ड फॉर लिक्विडिटी थ्रू देयर एसेट्स पोर्टफोलियोस। बैंक्स जो हैं वो आमतौर पे ट्रेडिशनली ये करते हैं वो प्लान करते हैं लिक्विडिटी का प्लान करते हैं और अपने जो एसेट्स हैं उनके एसेट पोर्टफोलियोज हैं उनकी प्लानिंग करते हैं कंस्ट्रक्टिंग देम सो और उनको इस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं सो दैट सम एसेट्स कैन एंड विल बी लिक्विडेटेड एज फंड्स आर नीडेड। कि एसेट्स उनके बैंक के ऐसे होने चाहिए कि जब उनको जरूरत पड़े तो वो उनको लिक्विडेट कर सके उनको इस्तेमाल कर सके। मोर रिसेंटली बैंकर्स हैव फाउंड दैट दे कैन ऑल्सो सिक्योर नीडेड लिक्विडिटी बाय इंक्रीजिंग देयर लायबिलिटीज।
और उसके अलावा आजकल ये भी हो रहा है, रिसेंटली जो बैंक कर रहे हैं उन्होंने ये देखा है कि वो अपनी लिक्विडिटी को, अपनी लायबिलिटीज को इंक्रीज करके भी सिक्योर कर सकते हैं। Thus, bankers have two sources of managing liquidity. Banker जो है वो अपनी liquidity को या cash demand को manage करने के लिए liquid assets को इस्तेमाल करते हैं और liquid liabilities को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं हम आने वाली slide के अंदर discuss करते हैं। सबसे पहली चीज है कैश इन हैंड। इफ यू कैन सी कैश इन हैंड आपकी स्क्रीन पे आ रहा है जी सर। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही किसी की भी। यस आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और मुझे आपकी आवाज क्लियर, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? यस सर आवाज आ रही है। जी सर क्लियर आ रही है। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट कैश इन हैंड। This includes the cash balance maintained by a bank with itself. Bank जो है अपना एक cash balance maintain करता है. The quantum of such cash balance, इस cash balance की जो quantity है depends upon the experience and circumstances of each individual bank. हर bank branch जो है वो depend करता है कि उसका क्या circumstances और क्या उसका experience रहा है market के अंदर cash के मुतालिक. And no hard and fast rules can be laid down. इसके लिए कोई hard and fast जो rules हैं, वो इतने नहीं बने हुए जो के मतलब state bank ने उनको assign किए हो। इसमें market के scenario को और bank जो है वो अपने experience को इस्तेमाल करता है। अगली चीज है statutory liquidity ratio. एक liquidity ratio होती है जो state bank decide करता है। तो statutory liquidity ratio refers to the amount that the commercial banks require to maintain in the form of cash or gold or government securities, approved securities before providing credit to the customers. अब आपको पता है कि cash या gold या government securities I mean to say के जैसे प्राइस बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है ना, तो इनको इनको प्रोवाइड करने से पहले कस्टमर को क्रेडिट प्रोवाइड करने से पहले जो बैंक है इन चीजों को स्टडी कर लेता है। इट इज डिटरमाइंड एज द परसेंटेज ऑफ टोटल डिमांड एंड परसेंटेज ऑफ टाइम लायबिलिटीज। तो इसको जो इसको डिटरमाइन कैसे अब किया जाएगा, टोटल डिमांड से और जो उनकी लाइबिलिटीज हैं उनकी टाइम परसेंटेज निकाली जाएगी। ठीक है, तो ये दो लिक्विड एसेट्स की जो डिस्कशन थी मैंने आपके सामने रखी। होप सो यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। नाउ लेट मी प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसके अलावा तीसरी जो चीज है लिक्विडिटी में वो बैलेंस विद द बैंक्स है, यानी बैंक्स के पास कितने बैलेंसेस पड़े हुए हैं। द कैश बैलेंस इज मेंटेन्ड बाय बैंक्स आइदर विद देमसेल्व्स और इन करंट अकाउंट्स विद आरबीआईज आर द मोस्ट लिक्विड एसेट्स एंड देयरफॉर दे कैन राइटली बी टर्म्ड एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। जब भी बैंक को ट्रबल्स होते हैं तो वो इनको फ्रंट लाइन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं इन फंड्स को। तो मनी एट ऑल एंड शॉर्ट नोटिस, उन इसके अलावा बैंक के पास शॉर्ट नोटिस पे भी कुछ पैसे पड़े होते हैं। दीज लोन रिप्रेजेंट मेनली द लोन्स गिवन बाय वन बैंक टू अनदर फॉर अ शॉर्ट पीरियड। बैंक एक दूसरे बैंक को भी लोन देता है ना, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए। इसके अलावा आगे इन्वेस्टमेंट्स, द बैंक आल्सो इन्वेस्ट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ देयर फंड्स इन स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज। दीस कॉन्स्टिट्यूट द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसीज
दी सिक्योरिटीज मेनली इंक्लूड, अब ये सिक्योरिटीज क्या क्या है ये मैं आपको अगली स्लाइड में बताने जा रहा हूं। लुक एट दिस, इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ जाती हैं, दे मे बी थ्री टाइप्स, उसमें स्टॉक्स है, उसमें बियरर बॉन्ड्स हैं और प्रोमिसरी नोट्स हैं। तीन किस्म की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती, इसके अलावा सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, दीज इंक्लूड्स डिबेंचर्स, जो कंपनियों के डिबेंचर्स होते हैं या बॉन्ड्स इशूड बाय काजी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस। इसके अलावा शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज, आपको पता है इट इज डन बाय कमर्शियल बैंक्स ऑन अ वेरी मार्जिनल स्केल बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी बोथ रिगार्डिंग रिटर्न्स एज वेल एज वैल्यू, ठीक है। तो सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, शेयर डिबेंचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये भी एग्जांपल है लिक्विड एसेट्स की, ठीक है। सारा बता दिया मेरा ना क्विकली, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा है, तो आप लोग अपने माइक ओपन कर लें, अगर आपके सवाल आते हैं तो साथ साथ आप क्वेश्चन भी करते जाएं, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो फिनिश होने जा रहा है, तो आपके क्वेश्चन भी साथ साथ निपटते जाएं। तीन मिनट है आपके पास, आप सवाल भी साथ कर सकते, लेक्चर हमारा एंड हो जाएगा। टाइम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स भी हैं इसमें, दे आर negotiable and can be sold by the holder in market. These certificates bear different maturities ranging from 90 days to 1 year and are offered with the interest rates competitive with the treasury bills and are other similar money market instruments. ठीक है, इसकी मिसालें आपने देखी, ये जो term certificates हैं 90 दिन से एक साल का इनका time period होता है। उसके अलावा बोरिंग फ्रॉम अदर कमर्शियल बैंक्स, दूसरे कमर्शियल बैंक से वो बोरिंग्स भी करते हैं। द सेकंड वे इन विच इंडिविजुअल कमर्शियल बैंक मे क्रिएट एडिशनल लायबिलिटीज इन ऑर्डर टू एक्वायर रिजर्व्स इज बाय बोरिंग फ्रॉम अदर बैंक, यानी दूसरे बैंक से बोरो करके भी वो अपने रिजर्व्स को मेंटेन कर सकता है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप बात को? जी सर। ओके, अब उसमें क्या आता है, उसमें लोन्स भी आ जाते हैं, लोन्स आर गिवन वन डे, और उसके अलावा अनसिक्योर्ड बेसिस, रेट ऑन बैंक्स इज वेरी सेंसिटिव ट्रेंड ऑफ सप्लाई डिमांड इन द मनी मार्केट। उसके अलावा बोरिंग फ्रॉम कमर्शियल बैंक जो है, ये पहले भी हम इसकी बात कर चुके हैं, so normally we have to stop this slide and ye slides main aapko group mein share bhi kar dunga, inko aapko zara study bhi kar lijiyega, aur iske alawa bhi further kuch slides hain, kyunki hamara time finish ho raha hai, to abhi aap apne mic open kar le, main aapki attendance ke screenshot le raha hu, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्विकली उसे पूछ लें, अदरवाइज वी हैव टू एंड दिस मीटिंग। इज इट क्लियर सर? ये जो बियरर बॉन्ड्स हैं जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा क्लियरली बोलें सर। ये जो बियरर बॉन्ड्स हैं, अभी जो कहा था ना आपने बियरर बॉन्ड्स, ये वही वाले बॉन्ड्स हैं जो हम यूज भी करते हैं? जी जी, वही बॉन्ड्स हैं जिनको आप कैश भी करवा लेते हैं शॉर्ट नोटिस पे, वही जो कमेटियों के चक्करों में लोग प्राइस बॉन्ड परचेज करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से इशू होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये उन्हीं प्राइस बॉन्ड्स की बात हो रही है। ठीक है सर, ठीक है जी सर, चलें अब इसको हम एंड कर रहे हैं। आप ग्रुप में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो पोस्ट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर करूंगा, ठीक है। अगले लेक्चर तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।